नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, अभी शाम के जो है वो 6-7 बजे का टाइम हो रहा है, और मतलब आपने लास्ट के 2 ब्लॉग देखे होंगे। तो मैं अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया था, तो लास्ट नाइट जो था दोस्तों पूरी रात ही नहीं सोए। मतलब मॉर्निंग में 10 बजे मैं घर पहुँचा था, तो फिर आके पूरा दिन आज रेस्ट हुई है। तो अभी उठा हूँ शाम के मतलब 6-7 बजे, मैं ऑलमोस्ट नींद पूरी हो चुकी है। अभी नहा धो के हुए हैं फ्री, तो अभी एक दो काम है वो निपटाने। पहले तो गौरव भाई के घर चलते हैं। जैसा कि आपको लास्ट ब्लॉग्स में पता ही था कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो एक दो दिन में बाहर ही था तो उनसे मिल नहीं पाया। तो अभी चलते हैं उनसे मिलने के लिए। उसके बाद जो है वो शिवाय और राधा कोहली में है, तो उनको भी लेने जाना है। तो ऐसे ऐसे एक दो और काम है मार्केट में, वो भी निपटाने हैं। और अभी जो है शाम इस साइड जो है मून के दर्शन हो रहे हैं चंदा मामा के, और हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। आज दिन में अच्छी मतलब अच्छी धूप थी, और इस तरफ हुआ है अभी अभी सनसेट, तो यहाँ से भी एक प्यारा सा नज़ारा जो निकल के आ रहा है। तो अभी तो मैं चलता हूँ गांव की ओर, कैमरा को यहीं पे लगा देंगे हम नाइट टाइम लैप्स के लिए। और मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं अपने ब्लॉग्स में जो है ना आपको डेली लाइफस्टाइल दिखाता हूँ अपना, कि मतलब मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और हम कैसे अपनी मतलब जीवन जो है यापन करते हैं। तो अगर आप वीडियो को मतलब एक बार क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो यार। मतलब उसको ऐसा भी नहीं कि क्लिक 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 करके आगे आगे स्किप कर दिया, तो उससे जो होता है कि एल्गोरिदम को लगता है, मतलब एल्गोरिदम क्या करता है यूट्यूब का, किसी और को वो वीडियो जो भेजता नहीं है, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है भाई। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया तो उसको पूरा देखा करो और एंजॉय करो अभी ये नाइट टाइम लैप्स। फिर आपको मिलते हैं बाद में दोस्तों। अगली शाम के जो 6 बजने वाले हैं, और मैंने कल जैसे आपको बताया था कि मैं जा रहा था शिवाय और राधा को लेने के लिए। फिर मैं गया तो था, लेकिन मतलब ऐसा था कि वो मेरे को आधे रास्ते में मिल गए, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाया आगे का। तो उसके बाद का ब्लॉग अभी से कंटिन्यू हो रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ गौरव भाई की गौशाला की तरफ। अगर लास्ट ब्लॉग आपने देखा था तो आपको पता होगा कि मतलब उनके वहाँ पर लकड़ियाँ थोड़ी चीरने के लिए रह गई थी, तो उसी के लिए फ़ोन आया कि अभी इकट्ठे हुए हैं भाई सारे, तो चलते हैं वहाँ के लिए। तो जिन लोगों की मक्की जो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो देखो ये मतलब ये जो भाई है ना, ये खा देना शुरू कर चुके हैं अपनी मक्की के लिए। तो हमने तो अभी मतलब अभी छंटाई का काम चला हुआ है, लेकिन जिन लोगों की मक्की थोड़ी बड़ी हो गई है वो अभी खाद भी दे रहे हैं। और ये खाद जो है हमें सरकारी समितियाँ होती हैं वहाँ से मतलब कुछ कम रेट पर मिल जाती है। तो देखो अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन थोड़े दिनों में इसमें भी खाद डालनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे काम जो है खेतों में भी चले हुए हैं, तो अभी चलते हैं। आजकल जो है दोस्तों मक्की के साथ साथ जो है वो अरबी की फसल होती है, तो देखो ये अरबी के पत्ते हैं। मतलब बाहर तो बाहर क्या, मतलब हमारे भी यहाँ लोकल हमीरपुर जैसे मार्केट है वहाँ पे मतलब पैसों से भी मिलते हैं ये सब्जी मंडी में। लेकिन गाँव में तो ऐसा होता है भाई, जैसे हमारे घर नहीं है तो किसी और से ले लिए, किसी और के नहीं है तो हमने खुद दे दिया, ऐसा ऐसा गाँव में चला रहता है। तो अभी चलते हैं वहाँ के लिए, और अभी मैं पहुँचा हूँ अपने उस बावड़ी के पास जहाँ पे थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे भंडारा था। और मैंने सुना है कि बावड़ी का पानी गंदा हो गया, तो अभी देखते हैं, क्योंकि उस दिन तो साफ भाई साहब, उस दिन हम इतना साफ करके गए थे भाई, और भर तो गई है थोड़ी, लेकिन पानी कितना ही गंदा हो गया है। मतलब खेतों का पानी आ जाता है शायद इसमें। और मेंढक देखो यहाँ बैठे हुए, ये गौरव भाई का खेत है, तो इसमें भी देखो कितनी सारी अरबी है। तो अभी इसमें तो टाइम लगेगा तैयार होने में, लेकिन फ़िलहाल जो पत्ते हैं वो तैयार हैं। मतलब पत्रोड़े बनाने की एक सब्ज़ी बनती है, वो भी आपको मतलब थोड़े दिनों में मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। और आजकल कुछ ऐसे ऐसे हरे भरे मैदान दिखाई देते हैं चारों तरफ बरसात के मौसम में। ये हो रही है दोस्तों बिन बादल बरसात, मतलब उस तरफ आप देख सकते हो कि सूर्य भगवान की लाइट भी आ रही है, बिल्कुल अभी चमक रहे हैं, और बारिश देखो कितनी हो रही है। तो अभी काम रुक चुका है। तो
अभी जो दोस्तों मतलब सारा काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है, जो भी लकड़ियाँ थी वहाँ से उठा के उस तरफ जो है सूखने के लिए लगा दी हैं, और अभी जो भी भाई आए थे वो सारे निकल पड़े हैं घर की ओर, हम भी चलते हैं। अभी जो दोस्तों मतलब शाम के 9 बजे के टाइम हो रहा है, अभी डिनर तैयार हो रहा है और हम दोनों मतलब अभी ब्लॉग वगैरह देख रहे थे, अपने अंकुश भाई हैं उनके ब्लॉग हम देखते रहते हैं और भी काफ़ी भाई हैं तो मस्ती कर रहे थे, और शिवाय ना थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और मेरे टेबल के पास ना एक पॉट रखा है उसमें मतलब प्लांट्स लगाए हैं, उसका नाम तो नहीं मेरे को पता, को पता होगा, और इसने क्या किया उसके लिए सारे पत्ते हम बताओ क्या किया आपने, तो इसने क्या किया उसके सारे पत्ते निकाले ना और बाहर मतलब फेंका है, बोला बहू खा लेगा इसको, तो इसके माइंड में कि मतलब जो डॉग्स हैं वो पत्ते खाते हैं, डॉग्स थोड़ा ना खाते हैं पत्ते यार। देखो कैसी मस्ती चली, और देखना जब मैं गांव से आया ना तो देखो सारे मोबाइल की कबर का पता नहीं कहाँ कहाँ से हेडफोन सब कुछ निकाल निकाल के ना इसने फेंक दिया हुआ यहाँ पे, इसको पैक करो बेटा, ऐसा थोड़ा ना करते हैं लोग, कैसे बोलेंगे बोलना, गंद मचाता है। किसने सिखाया तेरे को, किसने सिखाया, मम्मा ने सिखाया, अच्छा मम्मा को पूछता हूँ। तो दोस्तों ये वाला प्लांट था, क्या बोलते इसको, क्रैसुला पेनी है, हाँ ये तो पता नहीं ये हो रहा कुछ पता नहीं, नाम तो हमें भी नहीं पता भाई। तो ये वाला प्लांट था, इसके सारे पत्ते ऐसे ऐसे तोड़ दिए ना और डॉग्स को फेंकाया बाहर, अभी नया प्लांट लगाया राधा ने, तो मतलब वो प्लांट ही ख़त्म कर दिया इसने, चलो इसको भी पता नहीं होगा, ये भी सोच रहा था कि डॉग्स पत्ते खाते हैं ना, वो देख ले मम्मा ने डरा दिया कि बहुत पिटाई होगी। हाँ